मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग बैचलर्स पे यूके आओ, तो बैचलर का स्टूडेंट एक साल के बाद कभी भी अपना लोन नहीं उतार सकता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनी वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपना इंटरमीडिएट खत्म किया था तो मुझे मैसेज कर रहे थे कि अहमद भाई हम लोगों को बैचलर्स पे यूके आना है, तो क्या हमारा ये डिसीजन ठीक है या नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स के भी मैसेज थे कि बेटा हमारे पास जितनी भी सेविंग है ना वो हम लगा के अपने बेटे को ना, कोई कह रहा है कि जी मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, कोई अपना गोल्ड बेच रहा है, कोई अपनी जितनी भी सेविंग्स हैं पेंशन हैं भाई वो सब लगा के कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को यूके भेज रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल में यही बताऊंगा कि आपको बैचलर्स पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, बैचलर्स के स्टूडेंट के लिए स्पेशली, क्योंकि मास्टर्स और बैचलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क होता है, वो मैं आज की वीडियो के अंदर डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बात यह है कि यार आप लोगों की फैमिली की ना अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है बैचलर्स का, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने बैचलर वाले दोस्त के साथ शेयर लाजमी कर दो, क्योंकि उसको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि यार उसे अपना प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि यार आपके पेरेंट्स ने जितनी सेविंग्स की होती है ना, ठीक है, वही लगा के आप लोगों को यूके भेजते हैं, ठीक है। मेरे भी घर वालों की जो सेविंग्स थी, मेरी मदर की जो सेविंग्स थी, उन्होंने वही लगा के मुझे यूके भेजा, ठीक है। खैर मैं मास्टर्स पे आया था, मेरी स्टोरी और है। आप लोगों ने बैचलर्स पे आना है तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग बैचलर्स पे यूके आओ। क्या रीज़न है जिस वजह से मैं आज ये थोड़े हार्श वर्ड्स आप लोगों के साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ी डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या सीन है आजकल यूके के अंदर और आपको क्यों नहीं आना चाहिए। हाँ, अब आओ, आप अगर इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हो तो यूके लाजमी आओ, लेकिन अगर आप लोग इन रिक्वायरमेंट के साथ मीट नहीं करते तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई वो बैचलर बेस पर यूके आए, वरना आप लोगों के घर वालों के सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो सीन कुछ यूँ है, सबसे पहले तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ना उनकी एज जो होती है ना वो 17 से 18 के अराउंड होती है, ठीक है, उसके ऊपर NI के ऊपर जो है ना वो उनको पैसे कम मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे पे नहीं मिलती कि भाई तू इधर काम कर रहा है कि इसके पैसे भी सेम है उसके पैसे भी सेम है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपकी एज मैटर करती है, 16 से 17 अलहदा होता है, 17 से 18 अलहदा होता है, 19, 20, 21, 23, 24 हर एज के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर पैसे मिलते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाई है तो आप लोग वो भी देख सकते हो। तो सीन ये है, पहली बात तो ये कि आपकी एज कम होती है आपको NI पे पैसे कम मिलते हैं, ठीक है, वो इतना भी मैटर नहीं करता, मैटर करता है थोड़ा बहुत, कम से कम 50-60-70 पाउंड का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन बात यह है कि इट डजेंट मैटर, ठीक है, कि आपकी एज क्या है। मैं जो एक बात आपको रिकमेंड करूं, क्योंकि यहाँ पर मुझसे भी छोटी एज के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे ज़्यादा डबल पैसे कमा रहे हैं और मेरे बाद आके भी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो सीन ये है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एज का आप लोगों का इशू बन सकता है, उसके बाद अगर एज से आप लोग निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एज मैटर नहीं करती, आपको उस एज पे पैसे तो मिल रहे हैं, 50-60 पाउंड का फ़र्क भी पड़ रहा है, लेकिन बात यह है कि और भी बहुत से तरीके हैं यहाँ पर पैसे कमाने के, उसके उन तरीकों के ऊपर सीन ये होता है कि आपके पैसे इक्वल होते हैं, बेशक आप 25 के हो बेशक आप 30 के हो, लेकिन वो बातें ऐसी हैं जो मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी नो हाउ है तो आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हो जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको डिस्कस करना है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर सकूँ। उसके बाद बात यह है, एज के बाद बात आती है आप लोगों की फ़ीस की। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट मार खाते हैं ना वो मार खाते हैं फ़ीस पे। स्टूडेंट कहते हैं कि जी हम अपना ये कुछ ना बेच कर आ रहे हैं, लेकिन फिर बाद में वो फ़ीस नहीं निकाल पाते, क्यों? जो मेन चीज़ है ना वो मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगा कि क्यों आपको बैचलर्स पे नहीं आना चाहिए, वो ये है। तो बैचलर का स्टूडेंट एक साल के बाद कभी भी अपना लोन नहीं उतार सकता, ये मेरी बात याद रखो। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये बात करते हैं, दैट्स वाई मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप लोग बैचलर्स के ऊपर आओ, ठीक है। अब मार स्टूडेंट को बताऊँ भला कहाँ पर पड़ती है, वो यहाँ पर पड़ती है कि स्टूडेंट सोचता है पहले तो फीस कम दे के आऊँ, फिर उसके बाद कहता है कि लोन भी उतार दूँ, फिर फीस भी उतार दूँ, घर भी पैसे भेजूँ। यहाँ पर स्टूडेंट को सबसे बड़ी मार पड़ती है, ठीक है, वो इसी वजह से पड़ती है कि अपना इनिशियल सबसे कम पे करके आता है। इसके ऊपर अगर आप लोग यूके आना चाह रहे हो तो मेरी एडवाइस क्या, अगर आप लोग यूके आने का सोच रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यूके आओ ही ना, मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा हूं, ठीक है, मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ये मेरी एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है, मैं इसका हल भी आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को यूके आना है जरूर आओ। मैं 100% रिकमेंड करता हूं कि आपको यूके लाजमी आना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं अगर वो मीट करते हो ना तो फिर आओ। अब आप लोग 4-5 हज़ार पे करके आओगे यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल यार आप बैचलर्स पे आ रहे हो या फाउंडेशन पे आ रहे हो ना, एक ही बात है, ठीक है, आप लोगों ने 5-6 हज़ार फीस पे की, उसके बाद आप लोगों ने जो बकाया आपका 8 हज़ार है ना आपने वो जोड़ने में लग जाना है, वो जोड़ते जोड़ते एक साल आराम से लग जाता है, मैंने जोड़ा मुझे पता है।
और मैंने किस टाइम पे जोड़ा, अच्छे टाइम पे जोड़ा, ठीक है। वो 8000 जोड़ते जोड़ते आपको टाइम लग जाएगा। जब आपने वो 8000 जोड़ना है, आप लोगों का फाउंडेशन ख़त्म हो जाना है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाना है, नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाना है, और नेक्स्ट सेमेस्टर के शुरू में उन्होंने कहना है कि भाई अपनी इनिशियल डिपॉजिट जमा करवाओ नेक्स्ट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर का 6000 कौन देगा? वो तो आपकी फैमिली पे करेगी ना। तो यार फैमिली भी ऑब्वियसली पता नहीं अब पे कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि अब वो 5-6 हज़ार पाउंड पहले ही आपको इतने लगा के भेज रहे हैं, तकरीबन कम से कम 10-15 हज़ार पाउंड तो बन ही जाता है, वो आपको पे करके यहाँ भेज रहे हैं, और उसके बाद भी आप ये सोचते हो कि वो आपको पे करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग यूके आना चाह रहे हो, कम से कम या तो अपनी फर्स्ट ईयर की पूरी फीस पे करके आओ, या कम से कम 70% तो पे करके आओ, या 80% पे करके आओ। इससे नीचे पे करके आओगे तंगी में खुद जाओगे बाद में, मुझे ना कहना। मैं कहता हूँ कि यूके आओ, लाजमी आओ, लाइफ चेंज हो जाती है बंदे की, नो डाउट चेंज हो जाती है, हर लाइफस्टाइल बंदे का चेंज हो जाता है, आपके घर वालों का चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आके लोन भी उतारना है, याशी भी करनी है, फीसें भी देनी है, तो कम से कम 8000 से लेके 9000 तक, अगर आपकी फ़ीस 12 या 13 हज़ार पाउंड है, पे करके आओ। फिर उसमें क्या होगा, आपको 2 माह बाद भी जो मिलती है, 3 माह बाद भी जो मिलती है, तो उसमें होगा क्या कि आप लोगों की जो बकाया फीस है ना, अगले 4 से 5 मंथ के अंदर आप लोग वो पे करोगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर की जो आपकी फ़ीस होगी, आप उसको जमा करना शुरू करोगे। इस तरह से आप नेक्स्ट ईयर की फ़ीस पे करोगे, और सोन आप लोगों का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि फिर एक बार जॉब लग जाए फिर सिलसिला चलता रहता है आप लोगों का। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि थोड़ी फ़ीस दे के आएँ, आके यहाँ पर वीज़ा चेंज कर लें या इलीगल हो जाएँ, तो भाई वो चीज़ें मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। बहुत से लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि इधर आके सैलम डाल लें, तो भाई अभी जो आपने न्यूज़ सुनी होगी, ठीक है, वो जितने भी है सैलम सुलम वाले हैं, ठीक है, 80-90%, उनमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो उन लोगों को वो लवांडा भेज रहे हैं, तो ये चीज़ें तो आप लोग सोचना छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर सोचते हो कि भाई इधर आके वीज़ा चेंज कर लोगे, तो वो भी अब नामुमकिन हो गया, आप लोग वीज़ा चेंज भी नहीं करवा सकते। उस टाइम के ऊपर स्टूडेंट ऐसे करते थे कि बैचलर्स पे आते थे, 4000-3000 देते थे, इधर आते ही पैसे जोड़ के फीस नहीं देते थे, वीज़ा चेंज करवा लेते थे। लेकिन अब वो सिलसिला नहीं रहा, अब लोग आप भाई वैसे अपना वीज़ा चेंज नहीं करवा सकते जब तक आपकी डिग्री ख़त्म ना हो जाए। जितनी भी बड़ी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप लोग अपना वीज़ा चेंज नहीं करवा पाओगे। तो भाई मेक श्योर करो, अगर आप लोग यूके आ रहे हो, तो जो मैंने आपको नीचे एक छोटी छोटी बातें बताई हैं कि कम से कम इनिशियल 80-90% पे करके आओ, साथ में कम से कम 2-3 हज़ार पाउंड लेके आओ, फिर आप लोग यहाँ सर्वाइव कर लोगे नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मस्ट रिकमेंड है आप लोग यूके आओ, वरना मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप लोग 3-4 हज़ार पाउंड पे करके इधर आना चाह रहे हो, तो आप लोग अपनी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस बिल्कुल भी नहीं जोड़ पाओगे। तो ये मेरी बातें बिल्कुल याद रखना, और अगर कोई फैमिली देख रही है, तो भाई अपने उन बच्चों के साथ शेयर करो जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं, या अगर आप लोगों के दोस्त हैं तो उनके साथ भी लाजमी शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो। और अगर आप लोग प्लान कर ही रहे हो आपको बैचलर्स पे आना है, या आप लोग मास्टर्स पे आना चाह रहे हो यूके, तो आप लोग मुझे भी मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। भाई ये मुझे बिल्कुल मैसेज ना करना कि भाई हमें स्कॉलरशिप चाहिए फुली फंडेड, उसमें मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता। उसमें अगर आपको मिलती है, तो भाई आप लोग खुद ही उसमें अपनी हेल्प खुद कर सकते हो, वरना मुझे बता दो, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। मेरे पास ऐसी यूनिवर्सिटी फिलहाल कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे बता दो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं कम से कम ट्राई करूंगा 1000 पाउंड से लेके 5000 पाउंड तक के दरमियान आप लोगों को स्कॉलरशिप दिलवा पाऊं। तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, अगर आप लोगों की डिग्री खत्म हो गई हैं, ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों ने ले ली है, तो आप मुझे मैसेज कर देना। बजट मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। स्टिल अगर आप लोग बैचलर्स पे आ रहे हो, अब जो पाउंड का रेट चल रहा है ना, कम से कम 40-50 लाख का आप लोगों का बजट होना चाहिए, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो। इंडिया वाले जो हैं भाई, इसको कन्वर्ट कर लेना कितने बनते हैं उनके, क्योंकि वहाँ पे रेट थोड़ा चेंज है। तो अगर आप लोगों का बजट इतना है, तो फिर ये पंगा लेना, वरना पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। आधे में फीस जमा करवाओगे, टेस्ट दोगे, बाद में कंसल्टेंट और पैसे डालता जाएगा। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतने पैसे लग जाते हैं इजीली, अगर आप लोग यहाँ आके सर्वाइव करना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल का लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।